हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे माफ कर देना चिराग, मुझे पता है जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ उससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, पर मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं है ना, मुझे माफ करना। ओहो अर्जुन, ये नाटक बंद करो, आखिर ये पौधा ही तो है। ये पौधा नहीं, इसका नाम चिराग है, चिराग बोलो इसको। हाँ हाँ बाबा, चिराग, और चिराग रोएगा नहीं। रोएगा नहीं, पर तकलीफ तो होगी ना बेचारे को। नहीं होगी अर्जुन, आखिर इस पौधे मेरा मतलब चिराग भी समझ सकता है ना कि ये तुम उसकी भलाई के लिए कर रहे हो। अब थोड़ा जल्दी करो ना, शॉपिंग के लिए भी देर हो रही है। देखा, देखा, मैंने कहा था ना मेरे चिराग को दर्द होगा, कैसे चीखा। अर्जुन, ये पौधे की मेरा मतलब चिराग की नहीं, सुमित्रा की चीख है। कहीं वो व्हीलचेयर से गिर तो ले गई? चलो देखते हैं। सुमित्रा जी, तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूं। सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, ये क्या हुआ आपके साथ? कोई अंदर घुस आया था क्या? ये क्या, वो अभी भी अंदर है? रवि, हाँ, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, सीआईडी को फोन करो। अरे यहाँ तो कोई नहीं, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया खून? पीछे का दरवाजा खुला है, लगता है वो यहीं से भागा है। रुक! रुक जा, देखता हूँ कैसे बच के जाएगा मुझसे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अरे कोई बकरो इसे, फोन करके भागा ये। पंकज, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, फिर भी तू इतनी गलतियां क्यों करता है? मैं क्या करूं सर, मेरे पास आप जैसा अनुभव थोड़ी है। आप इतने सालों से सीआईडी में, मैं तो कल का आया हुआ बच्चा हूँ, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? यह बात तो है, वैसे पंकज तू उतना बुद्धू नहीं है, देख लेना जैसे दया सर ने निखिल को सिखाया है वैसे ही मैं तुझे सब कुछ सिखा के एक जबरदस्त सीआईडी ऑफिसर बना दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं 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 नहीं, ये बड़ा गलत है, ऐसे मुंह लटका कर रहना ये बड़ी गलत बात है। नहीं सर, एसीबी सर का मूड खराब है, हम लोग अभी खिसक लेते, चलिए चलिए। नहीं नहीं पंकज, हम लोग इस तरह से बाहर नहीं जा सकते, समझे? चल। आदमी ब्लूटूथ भी नहीं लगा हुआ है। अरे हाँ, तो फिर एसीपी सर बात किससे कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकता, मगर क्या कर, तुम तो जानते हो ना सीआईडी की ड्यूटी कैसी होती है, समझा करो। और फिर मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए लाया, यहाँ ब्यूरो में, क्योंकि तुम घर पर अकेले महसूस कर रहे थे। अब तुम्हारे साथ इतने सारे दोस्त हैं घर में, मगर तुम उनके साथ खेलना ही नहीं चाहते, क्यों? हाँ हाँ, पता है मुझे, तुमसे थोड़े बड़े हैं और तुम छोटे हो, इसलिए। चलो तुम्हारे लिए छोटे दोस्त भी लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम्हें यहाँ और नए दोस्त मिलेंगे। और सबसे बढ़िया दोस्त कौन होंगे तुम्हारे मालूम? फ्रेडी और पंकज। देखो कैसा प्यार देंगे, है? चलो अब चलो हंसो भी, है? That's like a good boy. अरे अरे वाह सर, आप पौधों से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं इस पौधे के साथ बात कर रहा था। ये पौधे हैं ना, बिल्कुल बच्चे जैसे होते हैं। मेरे घर में बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे। पता नहीं थोड़ा सा मुरझा गया, पता नहीं क्यों, वैसे तो इनके भी मूड्स होते हैं हमारे जैसे। सर, हाँ? पौधे हमारी बातें सुन सकते हैं? बातें सुन सकते हैं, अरे समझ भी सकते हैं। और तो और, इन्हें तुम जितना प्यार दोगे ना, और इन्हें कभी कभी संगीत भी सुनाओगे ना, तो ये हमें दुगना प्यार देते हैं और दुगना बढ़ने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। सर, आज से मैं घर जाकर अपने पौधों से बात करूंगा, उनके सामने डांस करके भी दिखाऊंगा। अरे बाप रे, कई पौधे डर न जाए फ्रेडी।
किसी भी प्रद्युमन खून हुआ कहां पर? काफी गहरा घाव है सर पे, किसी भारी चीज से वार किया गया है जिससे मौत हो गई इसकी। और कोई घाव है शरीर पे? नहीं सर, सर के अलावा और कहीं भी कोई भी घाव का निशान नहीं। उनके निशान यहाँ तक, मतलब बिचारी घसीटते घसीटते यहाँ तक आई और यहाँ पे दम तोड़ दिया। हाँ सर, और पड़ोसियों का भी यही कहना है कि उन्होंने सुमित्रा के चीखने की आवाज सुनी थी और मदद के लिए एम्बुलेंस भी बुलाई, मगर अफसोस सर तब तक काफी देर हो चुकी थी। खून के निशान यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब सुमित्रा यहाँ व्हील चेयर पे बैठी होगी और खूनी ने इस तरफ से वार किया, सुमित्रा नीचे गिरी और वो हथियार लेके पीछे के दरवाजे से गायब। हाँ सर, लेकिन सुमित्रा को यहाँ से वहां तक जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा, और इतने ही वक्त में खूनी उतनी दूर कैसे पहुंच गया? क्योंकि अर्जुन ने खूनी को गेट के बाहर पकड़ा था। हाँ, शायद हुआ कुछ ऐसा होगा सचिन कि जब खूनी ने सुमित्रा पे वार किया तो वो नीचे गिर के बेहोश हो गई और खूनी हथियार लेके पीछे के दरवाजे से भाग गया, और जब सुमित्रा को होश आया तो बेचारी यहाँ से रेंगते रेंगते दरवाजे के बाहर गई, यहाँ पे पड़ोसियों से मदद मांगी, तब तक कि खूनी वहां पहुंच गया दरवाजे के बाहर। सर, सुमित्रा जी के परिवार में उनके भैया भाभी के अलावा और कोई नहीं है, तो मैंने उनके भैया सुनील जी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। ठीक, सुमित्रा के घर में कोई काम करने वाला नौकर वगैरह तो नहीं था? सर, पड़ोसियों ने बताया कि घर की साफ सफाई के लिए एक औरत आती थी, पर शाम के वक्त। अच्छा, चलो जरा पड़ोसियों से मिलते। तू जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूँ? केस कर दूंगा तेरे ऊपर। अरे, केस मुझ पर करेगा? तुझ पर होना चाहिए केस। खूनी, खूनी, खूनी किसे कहा? रुक जा यार, तुझे बोला खूनी, तू है, तू खूनी हो। अरे तू क्या? सर समझाइए इसको, खूनी किसको बोला? खूनी किसको बोला? सर अच्छा हुआ आप लोग आ गए, इन दोनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। सर गिरफ्तार कीजिए इसे, इसने खून किया है। सर मैं तो अच्छा भला जॉगिंग कर रहा था, ये न जाने कहां से मेरे पीछे भाग के आया और पकड़ लिया। झूठ बोल रहा है सर, जॉगिंग नहीं कर रहा था, मुझे देख के भागा है ये। सर अब कोई कोयता लेकर मेरे पीछे दौड़ेगा तो मैं अपनी जान बचाने के लिए भागूंगा ना सर। ये कोयता क्या कर रहा था तुम्हारे हाथ में? वो मैं अपनी वाइफ के साथ पौधों की टहनियां काट रहा था तो सुमित्रा के चीखने की आवाज आई तो हड़बड़ाहट में कोयता मेरे हाथ में रह गया और मैं बचाने के लिए भागा सर उसे। तलाशी ली इसकी? नहीं सर, कोई हथियार नहीं है। सर मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ सर। लेकिन शरीफ आदमियों के कपड़ों पे खून नहीं लगा होता, ये खून कहाँ से आया है? सर जब मैं भाग रहा था और ये मेरे पीछे भाग रहा था तो ये मेरे ऊपर झपटा था, जरूर सर इसका नाखून मेरी पीठ में चुभ गया होगा और वही खून लगा है सर। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। रेडी सचिन, जिस रास्ते से ये संजय भागा है वो पूरा रास्ता अच्छी तरीके से चेक करो, देखो ये हथियार कहीं वहीं तो नहीं छिपा है इसने। रेडी, जब ये अर्जुन संजय का पीछा कर रहा था तो उसने उसे यहीं कहीं आसपास देखा था। हाँ सर, शायद संजय ने हथियार यहीं कहीं आसपास ही फेंका होगा, क्योंकि अर्जुन ने जब उसे पकड़ा था तो उसके हाथ में हथियार नहीं था। हो सकता है, एक काम करो तुम सड़क के उस पार देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, थोड़े पैर डगमगा गए। वो क्या है, वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए आज मैंने नाश्ता नहीं किया। मतलब डाइटिंग कर रहे हो तुम? वैसे डाइटिंग में क्या खा रहे हो? खा नहीं रहा हूँ, पी रहा हूँ, गर्म पानी पी रहा हूँ, पापी पेट को अंदर करना है। गर्म पानी पीने से ये पापी पेट अंदर नहीं होगा बल्कि तबीयत और खराब हो जाएगी, समझे? ये लो गाड़ी की चाबी और गाड़ी में सेब पड़े हो खा लो। मगर सर अब मेरी डाइटिंग का क्या? तुमसे ये किसने कहा कि डाइटिंग इस तरीके से की जाती है? डाइटिंग का मतलब मालूम है तुम्हें? नहीं ना, डाइटिंग का मतलब होता है कि शरीर को जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, यानी कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वो मिले, सही खाना खाओ, समझे? उसको बोलते हैं डाइटिंग। थैंक यू सर, आज से गर्म पानी बंद, हेल्दी फूड शुरू। इसके ऊपर तो खून लगा हुआ है, बाहर क्यों नहीं आई हथियार? यश,
उसके सर पे वार किया गया है, वो मारा गया है। सर, हथियार पे लगे खून का सुमित्रा के खून से कोई संबंध तो नहीं है? हो सकता है फ्रेड। सर, सुमित्रा जी के भैया भाभी आ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुमी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हे भगवान, प्लीज प्लीज सुनील, प्लीज संभालो अपने आप को। जरूर ये खून उस करण ने किया होगा। आप पकड़ लीजिए उस करण को। करण कौन? सुमित्रा दीदी का मंगेतर। बहुत समझाया था मैंने सुमित्रा को कि वो लड़का उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन प्यार में पड़ने के बाद इंसान का दिमाग कहाँ काम करता है। सुमित्रा जी करण से प्यार करती है? जी हाँ, बहुत भोली थी मेरी सुमी, और करण ने अपने झूठे प्यार के जाल में मेरी बहन को फंसा दिया था। असल में वो इसकी दौलत के पीछे था। सुनील प्लीज, इस तरह किसी भी इल्जाम मत लगाओ। ये भी तो हो सकता है कि करण सच में सुमित्रा जी से प्यार करता हो। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता था, बचपन से पले बड़े थे एक साथ। आप भी बताइए सर, 2 महीनों के प्यार में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बात शादी तक पहुंच जाए? तो आपको लगता है कि करण की नजर सुमित्रा जी की दौलत पे थी? बिल्कुल सर, बहुत समझाने की कोशिश की थी मैंने इसे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा वो मुझ पे भड़कने लगी। और अगर करण सुमित्रा जी से शादी करने वाला था तो प्रॉब्लम क्या थी? दौलत तो वैसे ही उसकी हो जाती, तो वो क्यों खून करेगा? क्योंकि कल रात को सुमित्रा ने मुझे फोन करके कहा था कि शादी कैंसिल हो गई। क्या, शादी कैंसिल हो गई? जी हाँ सर। क्यों, कोई झगड़ा बगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में? जी नहीं सर, मैंने उससे पूछा नहीं। मैं ऐसी नहीं खुश था कि कम से कम मेरी बहन की जिंदगी उस नालायक आदमी से तो बची। आप जरा इस करण का नंबर दीजिए। हाँ सचिन, बता, हथियार मिल गया क्या? एक और लाश? ठीक है, हम लोग आते हैं। सचिन, एक काम करो, उस लाश की फोटो खींचो और मुझे एमएमएस करो। क्या हुआ सर? वो गेट के आगे सचिन और फ्रेडी को एक आदमी की लाश मिली है, और उसके हाथ में हथियार भी है। इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग? नहीं सर, इसे पहले कभी नहीं देखा। कमाल है, अगर इसने सुमित्रा का खून किया है तो फिर इसका खून किसने किया है? कौन ये आदमी? डॉक्टर साहब, कुछ मिला क्या? हाँ मिला ना, हाथी के दांत का ये टुकड़ा। क्या मतलब? ये है कि सुमित्रा और इस आदमी की मौत सर पर हाथी के दांत के वार की वजह से हुई। हाथी के दांत बेचना और खरीदना तो गैर कानूनी है, कहीं दोनों की मौत का संबंध हाथी दांत की तस्करी से तो नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस आदमी की उंगलियों के निशान अपने क्रिमिनल डाटाबेस में मिले क्या? नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता ये कोई पुराना पापी है। हाँ, लेकिन इस हाथी दांत पर हमें 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले, 2 इन मरने वालों की उंगलियों के और 1 किसी अनजान का। तो ये अनजान निशान ही उस खूनी का है जिसने इन दोनों का खून किया है, और ये आदमी शायद करण है। करण, अच्छा करण, सुमित्रा के भाई सुनील का कहना है कि सुमित्रा का खून आपने किया है, क्या कहना है आपको? सर, ये सुनील तो मुझसे शुरू से चढ़ता आ रहा है। सर, इसे मेरे और सुमित्रा के प्यार की गहराई का जरा भी अंदाजा नहीं। सर, प्यार की गहराई नहीं, साजिश की गहराई बोल। मेरी भोली भाली मासूम बहन को फंसाना चाहता था ताकि उसकी दौलत, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा सके। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए? सर, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता। सर मेरी खुद की कंपनी का टर्नओवर सालाना 25 करोड़ है, 200 लोगों की रोजी रोटी मेरे अंडर चलती है। सर मैं पैसे के लिए सुमित्रा से प्यार करूंगा सर? तो फिर सुमित्रा ने तुमसे शादी क्यों तोड़ी? सर, शादी सुमित्रा ने नहीं, मैंने तोड़ी थी। क्या, तुमने तोड़ी? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम सुमित्रा से बहुत प्यार करते थे। सर, प्यार करता था नहीं, करता हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूंगा सर। तो फिर शादी तोड़ने की वजह? सर, सुमित्रा बहुत सीधी थी और कान की कच्ची भी सर, और ये सर दिन रात उसके दिमाग में मेरे खिलाफ जहर घोलता रहता था, और इसीलिए कभी वो मुझसे बहुत प्यार दिखाती और कभी कभी एकदम से उखड़ जाती थी। तंग आ गया था मैं उसके इस रवैये से। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुमी की भलाई चाहता था, और अगर तुम इतने अमीर हो तो तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी ना। देखा सर, कैसी बचकानी बातें कर रहा है। तुम लोगों ने ना सुमित्रा की सिर्फ व्हील चेयर देखी, कभी उसके दिल में झांकने की कोशिश की? दिल में झांकने वाली बात मत करना, मैं उसका सगा भाई हूँ, बहुत प्यार करता था उससे। मैं पता है कितना प्यार करते थे सर, जब भी सुमित्रा को सहारे की जरूरत होती थी मैं उसके पास होता था सर, और ये लोग सर
ये लोग महीनों महीनों से फोन नहीं करते और जब भी उसे फोन करते थे मेरे खिलाफ बुरा भला कहने के लिए। सर मुझे तो लगता है पैसे की चिंता इन लोगों की थी कि कहीं सुमित्रा की प्रॉपर्टी इनके हाथ से ना निकल जाए। सर हमें क्यों प्रॉपर्टी की चिंता होने लगी सर, जो कुछ सुमित्रा का था वो हमारा ही तो है। तुम बाहर वाले हो जिसने हमारे घर में आकर आग लगा दी। देख रहे सर, बहन को मरे हुए भी 24 घंटे नहीं हुए सर और उसकी प्रॉपर्टी को अभी से अपना मान बैठा है। एक मिनट प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। करण, जब सुमित्रा का खून हुआ सुबह 10 बजे तुम कहाँ पे थे? मैं सर ऑफिस में था सर। सर पूरा स्टाफ वहां था, आप किसी से भी पूछ सकते हैं सर। किसी पे शक है तुम्हें? कौन कर सकता है सुमित्रा का खून? हाँ सर, आप तो खून ही सही पूछ रहे हैं कि उससे किस पे शक है। मिस्टर सुनील एक मिनट के लिए चुप रहेंगे आप। हाँ करण, किसी पे शक है तुम्हें? सर अर्जुन हो सकता है। अर्जुन वो सुमित्रा का पड़ोसी? हाँ सर वही सर। सर उसने सुमित्रा की नाक में दम कर रखा था सर, चैन से जीना मुश्किल कर रखा था सर। आज सुबह जब मैंने सुमित्रा को फोन किया तो उस वक्त वो अर्जुन से ही झगड़ रही थी सर। लेकिन किस बात पे झगड़ा हुआ ये? सर वो तो मुझे समझ में नहीं आया सर। कितने बजे फोन किया था? सर यही कोई 8 बजे सर। लेकिन सर मुझे क्या पता था सर सुमित्रा और मेरा ये आखिरी फोन कॉल होगा। 8 बजे सुमित्रा और अर्जुन का झगड़ा हुआ और 10 बजे खून। इस अर्जुन से पूछताछ करनी पड़ेगी। इसीलिए लोग कानून की मदद करने से कतराते हैं। हम यहाँ सुमित्रा की मदद करने आए और आप सीआईडी वाले हम ही पर शक कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम आप पर शक कर रहे हैं? हमें करण ने जो बताया वही उसी की पूछताछ करने आए हम। करण ने बताया कि आप लोगों का सुमित्रा के साथ कोई झगड़ा हुआ था, मेरा मतलब है बहस हुई थी आज सुबह। जी बिल्कुल हुई थी, और ऐसी नोकझोंक तो पड़ोसियों में होती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने ये खून किया। अच्छा ये बताइए कि ये झगड़ा किस बात को लेके हुआ था? सर दरअसल हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो थोड़ा सा पानी उनकी घर की दिशा में आ जाता था और उनकी जमीन गीली हो जाती थी। इसी बात को लेके रोज कोई ना कोई कहा सुनी होती ही रहती थी। सर अब आप ही बताइए, क्या इतनी सी बात को लेकर हम क्या उनका खून करेंगे? फिर वही बात। अच्छा ये बताइए आज सुबह एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ पर? सर हमें सुमित्रा जी की चीख की आवाज सुनाई थी तो हमने देखा वो यहाँ घायल अवस्था में पड़ी थी। जब मैं यहाँ भाग कर आया तो उन्होंने यहाँ अंदर की तरफ इशारा किया, यहाँ कर देखा तो यहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं दूसरे कमरे में गया तो वहाँ पीछे का दरवाजा खुला था। आगे की बातें तो आप सब जानते ही। सुमित्रा ने एग्जैक्टली किस तरफ इशारा किया सर? यहाँ ये इस तरफ। इस तरफ? उस तरफ जहाँ पर घर का पीछे का दरवाजा है। नहीं सर उधर नहीं, इस तरफ। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आपको हम फिर से बुला लेंगे। जी सर, थैंक यू। सुमित्रा ने इस तरफ इशारा किया, इस तरफ, उस तरफ नहीं जहां पर घर का पीछे का दरवाजा है। इस तरफ क्यों सर? शायद सुमित्रा जी कुछ और कहने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी यही लगता है श्रेया, सुमित्रा कुछ कहने की, कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। ये क्या है? इसके तो हिंजेस लगे हुए हैं, ये तो खोखला है, बॉक्स जैसा है। जरा उठाओ इसे, देखते है क्या इसके अंदर, बोलो। हाथी के दांत, वो भी इतने सारे। सर कहीं सुमित्रा जी को मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया गया वो हाथी दांत भी खूनी ने यहीं से तो नहीं निकाला? सचिन यहीं से ही निकाला होगा, मगर सुमित्रा के घर में इतने सारे हाथी के दांत कैसे और क्यों? कहीं सुमित्रा हाथी के दांतों के तस्करी में तो नहीं लगी हुई थी? सर ये हाथी दांत आपको सुमी दीदी के घर मिले? जी हाँ। कहाँ पड़े थे? कहाँ पड़े थे ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि वहाँ कर क्या रहे थे। आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हाथी दांत बेचना और खरीदना दोनों गैर कानूनी है। सर मैं सुमित्रा को बहुत अच्छी तरह जानता, वो पशु पक्षियों से जीव जंतुओं से बहुत प्यार करती थी, वो इस तरह के जुर्म में शामिल हो ही नहीं सकती सर। हाँ सर ये हाथी दांत उनके नहीं हो सकते, जरूर इसे करण ने ही रखा होगा उन्हें फंसाने के लिए। हाँ हाँ तुम्हारे हिसाब से तो हर मुसीबत की जड़ मैं ही हूँ। एक मिनट आप लोग फिर से शुरू मत हो जाइए। रेडी टेचू को फोन लगा, पता लगाओ कौन है हाथी दांत का सौदागर। सर सुमित्रा के फोन रिकॉर्ड्स आ गए सर। मरने से पहले सुबह सुमित्रा को 2 फोन कॉल आए थे, एक सुबह 8 बजे और दूसरा 9 बजे। 8 बजे करण ने फोन किया था और 9 बजे
मंजू ने। मंजू? ये मंजू कौन है? पता नहीं सर, सुमित्रा दीदी के इस नाम की तो कोई दोस्त नहीं थी। मरने से पहले आखिरी फोन इस मंजू का आया। जरा मंजू की डिटेल्स निकालो और मिलो जाके इससे। सॉरी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। हम सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ मेरे ऑफिस में? जी हाँ, सीआईडी आपके ऑफिस में। आप सुमित्रा जी को तो जानती होंगी ना? हाँ, वो मेरी क्लाइंट है। मैं एक बिजनेस मैनेजर हूँ। यानी कि उनकी धन दौलत पूंजी कहाँ इन्वेस्ट करनी है ये आप उन्हें बताती हैं? हाँ, ये मेरे काम का एक हिस्सा है। सुमित्रा जी बहुत नेक औरत हैं, लेकिन वो सीआईडी के चक्कर में कैसे फंस गई? सीआईडी के चक्कर में फंसी नहीं, बल्कि उनका खून हो गया है। क्या? उनका खून हो गया है? जी हाँ, उनका खून हो गया है। किसने किया? हम लोग यही पता लगाने के लिए आपके पास आए। सुमित्रा तो बहुत नेक इंसान थी, उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, और वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। जी हाँ, किसी ने घर में घुस के खून कर दिया उनका। वैसे आज सुबह आपकी फोन पे बात हुई थी ना उनसे? हाँ। क्या बात हुई थी, हम जान सकते हैं? कॉन्फिडेंशियल है। दरअसल मैं अपने हर क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ, जिसमें उनकी सारी बातें गुप्त रखी जाती है। देखिए मैम, सुमित्रा जी तो अब इस दुनिया में नहीं। अगर आप हमें सहयोग देंगी तो हम उनके खूनी तक आसानी से पहुँच सकेंगे। प्लीज। दरअसल वो अपनी वसीयत बदलना चाहती थी। क्या? अपनी वसीयत बदलवाना चाहती थी? हाँ, आज सुबह जब उनका फोन आया था तब वो बहुत गुस्से में बात कर रही थी। वो चाहती थी कि उनकी नई वसीयत बने और उनकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी के नाम कर दी जाए। चैरिटी के नाम? सर, हो सकता है कि सुबह ऐसा कुछ हुआ हो जिससे वो बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने अपनी वसीयत को बदलने का फैसला लिया, पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती उनका खून हो गया। अच्छा, उनकी पुरानी वसीयत देख सकते हैं? श्योर सर, वन मिनट। ये लीजिए। सुमित्रा जी ने अपनी पुरानी वसीयत अर्जुन, सुनील और करण के नाम की थी। सर, सुनील सुमित्रा जी के भाई हैं, करण उनके बॉयफ्रेंड है, पर अर्जुन तो सुमित्रा जी का पड़ोसी है, और कोई अपने पड़ोसी का नाम अपनी वसीयत में क्यों डालेगा? अब तो ये उनका पड़ोसी अर्जुन ही बताएगा। क्या पता चल गया? ठीक है बॉस, हमें ये शेयर छोड़ देना चाहिए। पुलिस और सीआईडी वाले जगह जगह हमें ढूंढ रहे। लगता कोई आ रहा है। तुझसे कितनी बार कहा है, 3 बार सीटी बजाकर आया कर, कि गोली चल जाती ना सीधा ऊपर जाता। माफ करना बॉस, दिल में 1.5 किलो के लड्डू फूट रहे थे, इसलिए सीटी बजाना भूल गया। यहाँ हम सबके पसीने छूट रहे हैं, तेरे दिल में 1.5 किलो के लड्डू फूट रहे, किस बात के? अरे आज बॉस का जन्मदिन है, इसलिए। बॉस का बर्थडे? मेरा जन्मदिन? हाँ, किसी ने आपके लिए गाने बजाने वाले बुलाए हैं। मेरा जन्मदिन नहीं है तो कौन है ये लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी? सीआईडी। और तुम्हारा जन्मदिन आज है। मैंने कहा ना, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। तुम्हारा जन्मदिन आज ही है, क्योंकि अपनी जिंदगी की शुरुआत तुम अब नए सिरे से करोगे, और जिसकी शुरुआत होती है जेल की 4 दीवारी से, समझे? चलो सब लोग अपनी अपनी गन इसमें डालो। डालो जल्दी जल्दी, तुम भी डालो। चलो डालो अपनी गन, डालो। ए, तुम भी अपनी गन डालो। लेकिन मेरी गन अभी भी मेरे पास है, और तुम में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाए। क्या बात है?
तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा तो मैं देता हूँ तुझे। इतना यादगार जन्मदिन तो मेरे घर वालों ने भी आज तक नहीं मनाया। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जेल में और खातिरदारी होगी तेरी। बहुत शौक है ना तुझे हाथी के दांत की तस्करी करने का? ये काम तो कब का छोड़ चुका हूँ सर मैं, जबकि मैं तो ये शहर ही छोड़ने वाला था। अच्छा, तू ये काम छोड़ चुका है? 40 हाथी दांत बेचे जाने वाले थे, ये तुझे पता नहीं था? जी, एक औरत का फोन आया था सर, वो हाथी दांत बेचना चाहती थी। मुझे लगा पुलिस मुझे बताने के लिए जाल बिछा रही है, ये मैंने मना कर दिया सर। औरत कौन थी? पता नहीं सर। नंबर तो होगा उसका, देखता हूँ। देखा, भेजू को सब पता है किस मुजरिम से कैसे अपने मतलब की जानकारी निकलवानी है। मालूम है, मालूम है। नंबर बोल उसका। 1910975 4। अरे सर, ये तो सुमित्रा का नंबर है। तो इसका मतलब सुमित्रा खुद ही एक मुजरिम थी और तस्करी कर रही थी। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह, कुछ तो है, कुछ तो है इस घर में, या कोई तो है जिसने ये खून होते हुए देखा है। करण, सुनील, अर्जुन, संजय, कोई तो चीज है इस घर में जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या हो सकती है चीज? ये लो, पहले ही दिखाई कैसे नहीं पड़ा मुझे, है इस घर में ही गवाह है जिसने खून होते हुए देखा है। मिल गया गवाह। सर, आप तो कह रहे थे कि गवाह यहीं पे है इस घर में। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। कहां है सर, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। आओ, दिखाता हूं मैं गवाह तुम लोगों को। ये है हमारा गवाह, ये छोटा सा प्यारा सा पौधा, ये हमारा गवाह और यही हमें मदद करेगा हमारी इस केस को सुलझाने में। सर, ये पौधा? हाँ, ये पौधा। याद है तुम्हें मैंने पहले कभी कहा था जब हम पेड़ पौधों पर चर्चा कर रहे थे कि पालतू जानवरों की तरह पेड़ पौधे भी अपने मालिक के साथ रिश्ता बनाते हैं, लगाव हो जाता है उन्हें अपने मालिक के साथ। हाँ सर, पर आप ये भी कह रहे थे कि पेड़ पौधे अपने मालिक के विचार पढ़ लेते हैं। ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं उसे। और इस पौधे का एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हमें बताएगा खूनी के बारे में, ले जाएगा हमें सुमित्रा के खूनी तक। रेडी? अर्जुन, सुनील, संजय, करण, चारों को लेकर आओ। यस सर। आइए। सर, मैं सुमित्रा का भाई हूं, आप मुझ पे भी शक कर रहे हैं? हम शक नहीं कर रहे, हम अपना शक दूर कर रहे हैं। देखिए, यहां पर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि किसने किया है सुमित्रा का खून। लाई डिटेक्टर टेस्ट? कैसा टेस्ट और किसका करवाएंगे? देखिए, हमारे पास एक गवाह है और वो गवाह हमें बता देगा कि खूनी तुम में से कौन है। चलो अच्छा है, अगर वाकई कोई गवाह है, किसी ने खून होते देखा है, फिर तो मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। हाँ, और फिर आप लोग मुझे यहाँ बार बार बुलाएंगे नहीं? हो मेरे काम को नुकसान नहीं होगा। बुलाइए गवाह को। कहाँ है वो गवाह? गवाह देखना चाहेंगे? वो रहा गवाह, वो है गवाह, वो पौधा। ये पौधा, इसने खून होते हुए देखा है? हाँ, ये पौधा, इसी ने खून होते हुए देखा। सर, ये कैसी बकवास है? आपको पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ रहा हूँ? फॉरेन डेलीगेट्स वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं और आप CID वाले यहाँ मजाक कर रहे हैं? ये कोई मजाक नहीं है, समझे? बताता हूँ आपको, देश विदेश के साइंटिस्टों ने पेड़ पौधों पर रिसर्च किया है और पता चल गया है कि पेड़ पौधे आसपास के वातावरण को, बुरे इरादों को, खतरों को आप लेते हैं। ये जो हमारा गवाह है ना, ये पौधा हमें सुमित्रा के घर से मिला है जहाँ पर उस पर हमला हुआ था। मतलब सर, अगर हम पेड़ पौधों को प्यार करें, उन्हें पानी देकर सींचे, तो वो
हमारी भावनाओं को महसूस कर सकते? बिल्कुल फ्रेडी, और ऐसा करने से पेड़ पौधे अपने मालिक से स्नेह बढ़ाते हैं, प्यार करने लगते हैं। ये असंभव है, ये जरूर आप लोगों की कोई चाल है। अगर आप लोगों से ये केस सुलझ नहीं सकता है तो कम से कम हमें तो मत फंसाइए। सीआईडी कभी किसी को फंसाती नहीं है, समझे? किए हुए कर्मों की सजा दिलवाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने हमेशा से महसूस किया है कि हम पौधों से ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि हम उन्हें सुन भी सकते हैं, और वो भी हमसे बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। चल, ये तो अच्छी बात है, तो फिर शुरू ही करते हैं, है ना? रेडी, एक एक करके ले जाओ इनको। करण जी, जी पहले आप चलिए। चलिए 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 यहां पे सारों के साथ। ठीक है फ्रेडी, ले जाओ इनको। सुनील जी, अब आपकी बारी है। ठीक है, ले जाओ फ्रेडी। ठीक है, अर्जुन जी ठीक है फिर ले जाओ। चलिए चलिए सारों के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है ले जाओ। चलिए बॉस, इन लोगों में से किसी एक को देखकर पौधे में केमिकल रिएक्शंस हुए, जिससे साबित होता है कि सुमित्रा का खूनी इन चारों में से कोई एक है। मैं इन चारों की फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ। खूनी को देखते ही पौधा अपना मुंह फेर लेगा। ये देखो सर, ये तो कमाल हो गया, पौधे ने वाकई अपना मुंह मोड़ लिया। ओके, एक मिनट स्लो कर और फिर से स्लो मोशन में दिखा। देखो सोलंकी, जरा जूम कर इसे। अच्छा, सर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप लोग असली खूनी को पकड़ने के बजाय मुझे खूनी ठहरा रहे, और वैसे भी आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत आप लोगों की इस बात पे हंसेगी कि आप लोगों ने एक पौधे के ऊपर टेस्ट किया और उसके दम पे मुझे कातिल ठहरा दिया। रेडी, जरा संजय जी को कोई ठंडा वंडा पिलाओ, कोई लस्सी वगैरह। देखो बेचारे को गर्मी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, है ना? नहीं, मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही है सर, मुझे घर जाने दीजिए। घर नहीं जाओगे, यहीं पर सड़ोगे तो? बताओ क्यों मारा सुमित्रा को? आपने मुझसे 50 बार ये सवाल पूछा है और मैंने हर बार यही जवाब दिया कि मैंने सुमित्रा जी का खून नहीं किया है, यही सच है। ऐसे नहीं मानोगे तुम, जब तक तुम नहीं बताते तुम यहीं पर बैठे रहोगे। रेडी, इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। सर, आप संजय को फ्रेडी सर के साथ
अकेला छोड़ देंगे? हाँ, क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सर, वो हेमंत वाला केस याद है ना आपको? हेमंत को भी आपने फ्रेडी सर के साथ अकेला छोड़ा था और फिर फ्रेडी सर को कितना गुस्सा आ गया था। फ्रेडी ने गुस्से में उसे मार डाला। सर, नहीं, मगर फ्रेडी ने अभी योगा वोगा शुरू किया है, उसने अपना गुस्सा काबू में लाया है। He's fine. देख लेगा फ्रेडी। इनका ख्याल अच्छी तरह से रखना, ओके? हाँ सर, मैं सब संभाल लूंगा। गन कहाँ है तुम्हारा? ये रही। अरे क्या कर रहे हो? अपनी गन बाजू में रखो, तुम्हारे गन में से गोली कभी भी चलती है। ठीक है सर। क्या कर रहे हो फ्रेडी तुम? सर, प्लीज मुझे इस ऑफिसर के पास मत छोड़ो सर, ये मुझे मार देगा। तो बताओ क्यों मारा तुमने सुमित्रा को? जल्दी बताओ। सर, मैंने सुमित्रा को नहीं मारा, मैं तो वहां चोरी करने गया था। चोरी करने गया था? हाँ, वो सुमित्रा ने बबन को फोन किया था, तो उस समय मैं बबन के साथ ही था। बबन? हाथी की दाल की तस्करी करने वाला बबन है ना? हाँ, बबन ने सुमित्रा से वो हाथी दाल लेने से मना कर दिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो फोन नंबर ट्रेस करके और वो हाथी दाँत मैं चुरा लूं। कहाँ है वो खजाना? खजाना, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है कोई आ रहा है। अगर मुझे पता होता कि ये सब सामान तुमने इस टेबल में छुपाया है, तो मैं तुम्हें ये टेबल अपने घर पे नहीं रखने देती। सुमित्रा, बात को समझने की कोशिश करो। बिल्कुल नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे बाप रे, पुलिस? मेरी तो यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सुमित्रा का पड़ोसी अर्जुन वो कोयता लेकर मेरे पीछे दौड़ा। फिर क्या हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं सर। मतलब तस्करी में सुमित्रा का हाथ नहीं था, कोई और ही है जिसे जाने अनजाने में सुमित्रा ने मदद की थी। वो औरत जिसके साथ सुमित्रा बात कर रही थी, तुमने तो देखा होगा ना उसे अच्छी तरह से? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मान लिया कि तुमने खून नहीं किया, मगर चोरी करने के इरादे से तो गए थे ना तुम, तो सजा तो होगी। तुम रेडी ले जाओ इसे। सर, इनके साथ चलो चलो। तस्करी करने वाले भवन को फोन भी उसी औरत ने किया, और वो भी सुमित्रा के फोन से, ताकि सारा शक सुमित्रा पर जाएगा। बड़ी चालाक है ये औरत, मगर कब तक भागेगी ये हमसे। 20 फरवरी को तस्करी करने वाले भवन को फोन आया था सुमित्रा के फोन से, मगर फोन करने वाली थी कोई और ही औरत। और सर, सिर्फ 3 ही औरतें ऐसी हैं जो सुमित्रा के घर कभी भी आ जा सकती थी, मालती, रावी और मंजू। मालती, रावी और मंजू? अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि खूनी कोई और ही है, लेकिन अब तो बात पक्की हो गई कि खूनी इन तीनों औरतों में से ही कोई है। इन तीनों औरतों में से? मगर सर, इन तीन औरतों में से खूनी कौन है ये कैसे पता चलेगा? सर, सर पता चल गया कि 20 फरवरी के दिन इन तीनों में से सुमित्रा के घर पे कौन मौजूद था, ये देखिए। अच्छा, ये है वो औरत। तो फिर अब वक्त आ ही गया औरत का पर्दाफाश करने का। ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसलिए? अरे रावी, तुम यहाँ? हाँ, मुझे सुनीता के घर से फोन किया था और कहा था कि जल्दी आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, क्या बात कर? आप कौन? मैं सुमित्रा जी की बिजनेस मैनेजर हूँ। आपको भी फोन आया था? हाँ,
सुमित्रा जी के यहाँ से फोन आया था, उन्होंने कहा कि जल्दी से आ जाओ। कमाल है, हम तीनों को फोन करके यहाँ पे इकट्ठा बुलाया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी जान को भी खतरा तो नहीं है? हो सकता है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। सीआईडी को फोन करती हूँ, जल्दी लगाओ। नहीं, सीआईडी को फोन नहीं लग रहा, मैं वापस लगाती हूँ, जल्दी करो। आगे मत बढ़ना, रुक जाओ। अच्छा वो एसीपी सर आप आ गए, ये लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे सीआईडी के ऑफिसर्स हैं, सीआईडी के। CID ऑफिसर? जी हाँ, CID ऑफिसर। आप CID वालों ने हमारे साथ इतना भद्दा मजाक क्यों किया? मजाक इसलिए किया कि हमें खूनी तक पहुंचना था, इसलिए। आपको तो पता है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि खूनी जानता था कि सुमित्रा जी के इस घर में, इस सेंटर टेबल के अंदर हाथी का दांत था, और वो खूनी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हाथी का दांत उठाएगा। पर ये टेबल तो, हाँ मैंने खोला है ये टेबल। आखिर तुम CID वालों ने मेरे बारे में पता लगा ही लिया, लेकिन तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। भाग के कहाँ जाओगी? तुम जैसी मुजरिमों के साथ तो हम रोज निपटते, समझी? बस बस हो गया रोना, अब बताओ। उस दिन सुमित्रा ने मुझे वसीयत बदलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए फोन किया था क्योंकि वो जान गई थी टेबल में छिपे हुए हाथी दांत के राज के बारे में। और उस हाथी के राज के साथ साथ सुमित्रा तुम्हारा भी राज जान गई है ना, और जब वो तुम्हारे लिए खतरा बन गई तो तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ, मैंने बकिया को सुपारी दी थी सुमित्रा को मारने के लिए, लेकिन सुमित्रा को मारने के बाद मुझे ही ब्लैकमेल करने लग गया, और तो और हाथी के दांत से मिलने वाले मुनाफे का आधा हिस्सा भी मांगने लगा। और तुम दोनों की इस बहस में तुम ये भूल गए कि सुमित्रा कब की बात पहुंच चुकी थी मदद मांगने के लिए, है ना? हाँ, इसलिए हमें हाथी के दांतों को यही छोड़कर भागना पड़ा, और जाके झाड़ियों में छुप गए तुम दोनों। हाँ, और वही मैंने बकिया को मुझे धमकाने का इनाम भी दे दिया। खून करके भागे तू ना? मंजू जी, बहुत बड़ा गैर कानूनी काम किया है तुमने, जुर्म किया है हाथी के दांतों की तस्करी का। हाथी के दांत जो हमारे देश की संपत्ति है, और तो तुमने दो लोगों का खून भी किया है, दो लोगों। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें तो फांसी ही होगी फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.